आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भगवान राम की नगरी अयोध्या के विकास तथा भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर बेहद समर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल रंग लाई है। रामनवमी पर पहली बार अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से राम जन्मोत्सव का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रसारण दोपहर 11:30 बजे से होगा, जिसका दूरदर्शन से ही लिंक मिलने पर अन्य चैनल भी प्रसारण करेंगे। अयोध्या में 25 मार्च 2020 को श्री राम लला को टेंट से मानस मंदिर में स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार श्री राम का जन्मोत्सव बेहद भव्य तरीके से मनाने की योजना तैयार की थी। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 2 वर्ष से श्री राम का जन्मोत्सव कार्यक्रम बेहद सादगी से किया जा रहा था। पहली बार श्री राम जन्मभूमि से राम जन्मोत्सव का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। कनक भवन मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का 25वीं बार सजीव प्रसारण होगा। दूरदर्शन की पूरी टीम इस सजीव प्रसारण को लेकर बेहद मुस्तैद है। इस दौरान यहां पर आकाशवाणी की टीम सजीव कमेंट्री भी करेंगी। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के बाद रविवार को पहली बार अयोध्या में रामनवमी का त्योहार भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2020 को श्री राम लला को टेंट से बाहर निकालकर मानस मंदिर प्रांगण में फाइबर के मंदिर में विराजमान किया था। उसके बाद से ही रामनवमी के त्योहार को भव्यता से मनाने का निर्णय लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम का इस बार दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली एवं लखनऊ से सजीव प्रसारण दिन में 11:30 बजे होगा। इसमें आकाशवाणी को भी आवश्यक कमेंट्री करने के लिए लगाया गया है। श्री राम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम सजीव प्रसारण का कार्यक्रम 1 बजे तक चलेगा। दूरदर्शन इसका अलग से लिंक भी उपलब्ध कराएगा, जिससे कि इस कार्यक्रम का सभी चैनल प्रसारित करेंगे। इसके कवरेज के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने 2 स्थान चिन्हित किए हैं, जिनका पहला स्थान श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल, दूसरा स्थान कनक भवन स्थल है। श्री राम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम का इस बार दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली एवं लखनऊ से सजीव प्रसारण दिन में 11:30 बजे से होगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।